मुझे लगता है औरतों की समस्या एक्चुअली वो समस्या नहीं है, वो अपने में एक कहानी है सारी। और यहाँ पर ये नारी सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मुझे इस शब्द से सख्त नफरत है। हमारे यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो पहले ही सीता के आगे सीता के बाद ही राम का नाम होता है, राधा के बाद ही कृष्ण का नाम होता है, और हमारे यहाँ भारत माता बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है। तो वो पूरा संपूर्ण है, इसीलिए इस फिल्म में हमारी इतनी भी 12 की 12 औरतें हैं वो कोई बेचारी नहीं दिखाई गई, फर्स्ट फ्रेम से। सो मेन रीजन यही था, काफी 10-12 सालों से इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानियां बताई, मैं खुद जैसे कहीं पर भी जाता था तो चीजें दिखती, वो धीरे धीरे आती गई अपने आप ही। इसमें सच बात तो यह है, मेरा बहुत कम हाथ है, ऊपर वाले ने कुछ करवाया है मुझसे। सो बट ये था कि एज ए एंटरटेनर मेरी ये जिम्मेदारी थी कि लोग बोर ना हो, उसके अंदर मसाला होना चाहिए, कुछ भी चीज आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, यट हम उस चीज को पूरी तरीके से कह सके और ऑडियंस को बोर ना करें, तो यही कोशिश करी गई। थैंक यू। बाकी महिलाएं तो सदा से सशक्त रही, बाकी जिस तरह से प्रचार हो रहा है महिलाओं को कमजोर बता के जिस तरह से एजुकेट करके उन्हें नौकरी दिलाना और उन्हें स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, ये जो कोशिश पूरे देश में हो रही है तो इसमें भी काफी सफलता मिल चुकी है हमारे देश को। हाँ ये है कि कई जगह पे नहीं मिली है, कई जगह डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, कई जगह औरतों पे जुल्म होता है, तो धीरे धीरे उसमें भी हम लोग तरक्की करेंगे। भारत एक आध्यात्मिक देश है, हमें आशावादी होना चाहिए, काम हो रहा है उस दिशा में। ये काम वैसे सोशल गुरुज का है, थोड़ा सा नेताओं का है, थोड़ा सा जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं उनका है, और साथ में बाकी सब जो जनमानस है अवेयर समाज के जो लोग हैं उनका भी ये फर्ज बनता है, तो इसमें कोई वक्त नहीं लगेगा। और जैसा कि दूसरे तरह से देखें फैमिली चलाने की दृष्टि से तो औरतें सशक्त नहीं कि वो पुरुष पर निर्भर ना हो, लेकिन धीरे धीरे उस मूवमेंट ने ऐसा रूप ले लिया है ऑल ओवर वर्ल्ड भी, भारत में भी, कि वो हर चीज में पुरुष का मुकाबला करती हुई दिख रही है और धीरे धीरे पुरुष बन रही है, ये इसका सैड पार्ट है। पुरुष को इमिटेट करते करते आप सिगरेट पी रही हैं, पुरुष को इमिटेट करते करते आपको शराब भी पिलाई गई, पुरुष को इमिटेट करते करते आपने अलग तरीके से कपड़े नीचे कर दिए, पुरुष ने नहीं किए, ये फेमिनिज्म का माइनस पॉइंट, ये फेमिनिज्म का ड्रॉबैक, तो कहीं भी फेमिनिज्म को रुकना होगा, रोकना होगा। और जो ये फिल्म भी नार कसूर फिल्म बता रही है उसमें भारतीयता, भारत की आध्यात्मिकता, भारत की नारी शक्ति, जिस तरह से भारतीय संस्कृति बनी है उसमें दो कॉन्सेप्ट शुरू से ही रहे हैं, शिव और शक्ति। इसको भारतीय लोगों को समझना कि नारी जो है वो शक्ति का ही रूप है, और शक्ति को इमिटेट करे, नारी पुरुष को इमिटेट न करे, नारी का अपना लक्ष्य है, जो दुर्गा और दूसरी तरह की देवियां या सीता या द्रौपदी या अहल्या या जितनी भी हमारी महान देवियों के नाम हम गिनाते रहे हैं, वो दरअसल क्या है, नारी के सामने एक आदर्श, नारी के सामने पुरुष आदर्श नहीं है। आज के समाज में फेमिनिज्म का दुर्भाग्य ये हो गया कि नारी के सामने पुरुष आदर्श बन गया, वो जो सिगरेट पी रहा है, कोट पैंट पहन रहा है, दारू पी रहा है, नहीं, नारी को नारी ही बनना है। सही फेमिनिज्म तब आएगा जब नारी अपने भीतर के अंदर मौजूद बड़ी नारी को ढूंढे, पुरुष तब